मैं माधुरी वारियत हूँ, महाराष्ट्र से, मुंबई से आई हूँ। मैं वैसे रिजर्व बैंक की स्टाफ थी, लेकिन रिजर्व बैंक की मैंने अर्लियर रिटायरमेंट ले लिया और अभी मैं मुंबई में स्लम के बच्चों को सिखाती हूँ। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, जिनको घर से ना कुछ हेल्प मिलती है पढ़ाई में, ना वो महंगे ट्यूशन्स उनको अफोर्ड कर सकते हैं। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करती हूँ, जैसे ज्योति पुनवानी ने जो गुदरा के बारे में लिखा था उसका मैंने मराठी ट्रांसलेशन किया था। मराठी में ट्रांसलेट करना इसलिए की जरूरत था कि महाराष्ट्र के लोगों को ये सब पता चले कि क्या हो रहा है। लोग मीडिया तो बहुत कुछ अलग बोलते हैं, गलत फहमी फैलाते हैं, तो मैंने अपनी तरह से कोशिश की कि मैं सच्चाई लोगों के सामने रखने में मदद करूं। और ये जो कर रही हूं वो मेरा हॉबी है, ये रात दिन मैं कर सकती हूं, तो ये मेरे अपने खुद के प्लेजर के लिए करती हूं। बीजेपी, मोदी जी, उनके सब साथीदार, अमित शाह, जो भी कर रहे हैं हमारे देश में आजकल, वो सब फुटीरवादी काम कर रहे हैं। केवल झगड़ा नहीं लगाते, मुस्लिमों के ऊपर अनियमित अत्याचार हो रहे हैं, उससे मेरे जैसे लोगों को बहुत दुख होता है कि वो नहीं होना चाहिए।